Good morning, guys. This is Rahul Magan as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a Venture Capitalist. This video is shot 6th August 2020 for our Android app. आप ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि कमोडिटीज में कैसे डील किया जाए, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग कमोडिटीज में डील करते भी हैं MCX में. बट क्या हम लोगों को पता है कि कमोडिटीज में ट्रेड करने का राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है? कमोडिटीज में ट्रेड करने का राइट प्लेटफॉर्म होता है कॉमेक्स, कमोडिटी एक्सचेंज, लंदन मेटल एक्सचेंज और शिकागो मेटल एक्सचेंज. जब हम MCX में ट्रेड करते हैं तो हम हमेशा प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर होते हैं. एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनियम, एल्यूमिनियम, निकल, टिन, लेड. अगर LME में सिल्वर कम हो रहा है तो पहले वो LME से MCX में आएगा, फिर MCX से कस्टमर के पास जाएगा. और अगर वही कस्टमर LME में डायरेक्टली हो तो वो सीधे उसके पास आएगा. और दूसरा, हमारे प्यारे ऑपरेटर्स, इक्विटी मार्केट में ऑपरेटर्स अपना पूरा रोल प्ले करते हैं, लेकिन शायद दुनिया नहीं जानती कि कमोडिटीज मार्केट में भी ऑपरेटर्स अपना पूरा रोल प्ले करते हैं. वो अपने रोल में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते. एग्जाम्पल, दो दिन पहले जब गोल्ड LME में फॉल हो रहा था, MCX में वो रुका हुआ था, बड़ी खुशी की बात है. कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में अप हो रहा था, MCX में रुका हुआ था. और नेचुरल गैस से तो MCX को बेहद प्यार है, ऑपरेटर्स का तो वो बेहद फेवरेट, आई वुड से कमोडिटी है, गैस कमोडिटी है, जो उनसे तो बेहद ही प्यार है. अगर LME में नेचुरल गैस 5% ऊपर जाएगी तो MCX में वो 3% ऊपर जाएगी. तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट सेटअप होता है कॉमेक्स. लेकिन कॉमेक्स का एक नुकसान होता है कि कॉमेक्स में एंट्री के लिए आपके पास हाई नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कॉमेक्स में कुछ भी किया जा सकता है. एग्जाम्पल, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इंडिया में 12 बजे हैं, तो MCX तो डेफिनेटली क्लोज हो चुकी है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट चल रही है, यूरो में मूवमेंट चल रही है. चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं. SEK, स्वीडिश क्रोना, NOK, नोवेरियन क्राउन, DKK, डेनिश क्रोना, RUB, रशियन रूबल. दोबारा बोलू, SEK, स्वीडिश क्रोना, NOK, नोवेरियन क्रोना, DKK, डेनिश क्रोना और RUB, रशियन रूबल. आपको पता है कि गोल्ड जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसके साथ ये चारों करेंसीज भी ऊपर नीचे हो रही हैं. आपको पता है, क्या आपको पता है कि स्वीडिश क्रोना का जो रिटर्न है वो गोल्ड के रिटर्न से कम नहीं है? लेकिन क्या हम इंडियन मार्केट में स्वीडिश क्रोना को ट्रेड कर सकते हैं? क्या हम डॉलर वर्सेस स्वीडिश क्रोना का एक्सपोजर ले सकते हैं? ओहो, ये हिंदी मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा. कल जब 5-7 लोग मुंह उठा के आएंगे ना, तो उनसे पूछना कि स्वीडिश क्रोना का रिटर्न गोल्ड के रिटर्न से कम क्यों नहीं है, और आपने हमें क्यों नहीं बताया कि स्वीडिश क्रोना हम ले सकते हैं. घबराना नहीं है, घबराना नहीं, ठीक है. हिंदी मीडिया ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही चलती रहेगी. आप कल भी सो रहे थे, आज भी सो रहे थे, और कल भी सोते ही रहेंगे, क्योंकि 90% लोगों ने स्वीडिश क्रोना का नाम पहली बार सुना होगा. दिस आई राहुल मगन. You know my WhatsApp number, 9818485155. You have any question, you can WhatsApp us. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कबूतर के आँख बंद करने से दुनिया बंद नहीं होती, और दुनिया कल भी बड़ी थी और आज भी बड़ी है. Have a good time.